गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 3 स्पिंडल लेथ टेलस्टॉक असेंबली का। तो स्टार्टिंग में पहले इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। इसकी ड्राइंग में आप देखोगे तो एक शाफ्ट है आपके पास। इस शाफ्ट के यहाँ पे लेफ्ट हैंड एल एच लेफ्ट हैंड स्केयर थ्रेड है डाया 18 के ऊपर, पिच है 4.5 की। ठीक है, ये आपकी पूरी जो लेंथ है थ्रेड की, लेफ्ट हैंड स्केयर थ्रेड की, वो है 215 तक, यहाँ तक। तो पूरा थ्रेड होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 38 का डाया है, यहाँ 19 का डाया है। 38 डाया जो आपका 10 लेंथ पे है, 19 डाया आपका 18 लेंथ पर है, 16 डाया आपका 29 लेंथ पर है, और साथ में इसमें एक और दे रखा है उन्होंने की सीट 5 × 2.5 H6। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें एक स्लॉट कट करना है जिसकी हमारे पास एक्स में वाई वैल्यू होगी और हाइट उसकी डेप्थ जो होगी 2.5 H6 इसकी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और डाया है, डाया 12 का होगा, मेट्रिक थ्रेड बनाएंगे, मेट्रिक 12, और पिच होगी 1.5 की, और 16 की इसकी लेंथ होगी। ओवरऑल लेंथ आपकी 288 है। ये 29 आपका इन्होंने ब्रैकेट में से डाला है, क्योंकि अगर मैं ये वैल्यू डालता हूँ 288 और बाकी वैल्यूज में से दिखा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 29 बन जाता है। पर 29 अगर हम वैल्यू डालेंगे सॉफ्टवेयर में काम करते हुए तो दिखा देगा कि आपने ओवर बर्डन कर दिया, वैल्यू सारी डाल रखी है तो ये कैलकुलेट हो सकती थी, तो वो आपको उसमें कन्फ्यूजन ना आए इसलिए उन्होंने 29 यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। सॉलिड वर्क्स के अंदर जब आप जाओगे, आप एक सेंटर लाइन लगाओगे। सेंटर लाइन लगाने के बाद आप एक प्रोफाइल बनाओगी। ठीक है, क्लोज प्रोफाइल, इसमें आपकी वैल्यूज होंगी। जैसे आपका ये ड्राइंग थी आपके पास, तो आपने बनाने के बाद यहाँ चेक करना है, आपने हाफ बनाना है। ठीक है, हाफ कैसे, जैसे आपका 18 का डाया है, आपने यहाँ 9 बनाया है, 38 का डाया है तो 19 बनाया आपने, वैसे 19 का डाया है तो आपका यहाँ पे 9.5 आएगा। 16 का डाया था यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये 16 डाया आपका, तो हमने 8 लिया यहाँ से, इस सेंटर एक्सिस से। हम रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी ट्रायल का हमारा M12 के लिए हो गया। उस हिसाब से आपका लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे आप, रॉड की लेंथ 16 है, 29 है, 18 है, 10 है और 215 है। ठीक है, ये लेने के बाद आप जाएंगे फीचर्स में, रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करेंगे। रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करने से आपका जो 3D पार्ट है वो बन जाएगा। थ्री डी पार्ट बनाने के बाद अब आपने करना है थ्रेडिंग करनी है इसके ऊपर। तो पहले हम थ्रेडिंग करेंगे यहाँ पे M12 की। M12 की थ्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर्व्स पे जाएंगे, इसमें हेलिक्स एंड स्पायरल पिक करेंगे, इसका टॉप सरफेस सेलेक्ट करेंगे। इस सरफेस पे हम कन्वर्ट एंटिटीज से जाके इसकी आउटर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें थ्रेडिंग करनी है, जिस भी सरफेस पे करना होगा वहाँ पे हम उसकी एज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टिक मार्क करने के बाद हम एग्जिट करेंगे स्केच मोड को। तो बाय डिफॉल्ट अब आपको फीचर दिखाएगा वो हेलिक्स के लिए, कि आपने हेलिक्स बनाना है तो उसके लिए आपकी पिच क्या है, आपका रेवोल्यूशन क्या है। अब ऑप्शन आती है आपके पास कि आपने पिच रेवोल्यूशन से काम करना है, उसकी डेप्थ दे रखी है रेवोल्यूशन साथ, या डेप्थ और पिच दे रखी है आपको। तो अभी हमारे पास हाइट है और पिच है। हाइट हमारे पास गिवन है, आपने अगर ड्राइंग देखी है ध्यान से, तो उसमें हाइट गिवन आपके पास 16 है और पिच इसकी 1.5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइट कर देंगे 16 mm और पिच हम कर देंगे 1.5 mm की। यहाँ पे जो स्टार्ट एंगल है हमारा, हम उसको रखेंगे 0, और आपका अगर आप देखेंगे तो आपका आगे को आ रहा है तो आप उसको रिवर्स कर देंगे बैक साइड पे फ्लिप। ठीक है गाइस, ये करने के बाद आप ओके कर दोगे। अब आपका ये स्पायरल बन गया, इसके ऊपर एक धागा सा लिपट गया जिसे हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं, चूड़ी बोलते हैं। अब इस पर कटिंग करनी है मटेरियल की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोफाइल बनाएंगे हम। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके स्केच करेंगे अब हम। अब देखो मटेरियल इस तरफ से मैंने अपना रिमूव करना है, तो मैं इस तरफ प्रोफाइल बनाऊंगा ताकि मेरा मटेरियल रिमूव हो सके। अब मैट्रिक थ्रेड बना रहे हैं तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बेसिक रूल क्या है आपका, बेसिक रूल है कि आपने इसके अंदर अंदर जो एंगल होते हैं तीनों 60 डिग्री होने चाहिए। अगर आप 2 60 डिग्री दे दोगे एंगल, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपने अगर 2 दे दिए 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली वो आपका तीसरा पिक कर लेगा। ठीक है, तो गाइज ये आपने बना लिया। अब बनाने के बाद आप डायमेंशन दे दो यहाँ पे इसकी, याद रखना जो आपने पिच दे रखी है, जो इस हेड से इस हेड का डिस्टेंस है वो आपने ऑलरेडी 0.5 बता दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका हाफ लेके चलें। ठीक है, तो 0.75 ले लेंगे, 1.5 का हाफ। ठीक है, और हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप और कट कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफाइल बना रहा हूँ, एक प्रोफाइल की शेप आ जाएगी। ठीक है, ताकि आपका इवन सा लगे। ये बनाने के बाद ओके करते हैं हम, एग्जिट होते हैं स्केच मोड से। फिर यहाँ स्वेप्ट कट के ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि हम थ्रेड कट कर रहे हैं,
अगर मुझे स्प्रिंग बनाना होगा तो हम स्वेप्ट बॉस करेंगे, ठीक है। तो स्वेप्ट कट के अंदर जाते हैं, प्रोफाइल हमारा सिलेक्टेड है, मुझे पाथ देना है, पाथ हो गया मेरा थ्रेड का ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके करता हूँ, ओके करने पे वो मुझे थ्रेड काट के दिखा रहा है, ठीक है, ये थ्रेड आपका कट गया। तो जो हमने प्रोफाइल बनाया था हेलिक्स का, उसको हम हाइड कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमारा ये वाला फेस आता है, इसको सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ स्केच करेंगे नया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक रेक्टेंगल जिसकी वैल्यू उसे दे रखी थी 5 बाय 2.5। तो 5 जो होता है आपका हॉरिजेंटल होता है, और वैल्यू आपके यहाँ कोऑर्डिनेट में आती है एक्स कोमा वाई में। तो एक्स आपका 5 था, एक्स आपका 5 है और वाई आपका 2.5 है। उसके बाद हम इसके फिर से मिडिल पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और हम अपने सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। इनको सेलेक्ट करके हम कर देंगे कॉन्सिडेंट, ताकि वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, ठीक है गाइस। ये बनाने के बाद इसको ओके कर लोगे। ओके करने के बाद हम अब फीचर्स के अंदर दोबारा जाके एक्सट्रूड कट करेंगे। एक्सट्रूड कट करेंगे हम इसको 29 मिलीमीटर का, क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्राइंग में पूरा स्टेप दिखाया उन्होंने कि पूरा स्टेप हमने यहाँ पे कट करके है, हमने यहाँ पे की प्लेस करनी है। इसको ओके करेंगे तो हमारा एक की स्लॉट कट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो की स्लॉट कट हुआ है वो यहाँ पर हमारा स्टॉप होगा, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के से आपका की स्लॉट यहाँ पे कट हो गया है। अब इस तरफ आते हैं हम, शाफ्ट की यहाँ लेंथ ज़्यादा है हमारी, हम वहाँ पे आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे थ्रेडिंग करनी है लेफ्ट हैंड स्केयर थ्रेड में। जो हमने वहाँ पे किया था मैट्रिक थ्रेड था, ट्रैंगल हमने बनाया था, अब स्केयर प्रोफाइल देना है हमने। तो हम कर्व्स में जाएंगे, हेलिक्स एंड स्पायरल, हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। आपने इसको एज को सिलेक्ट करना है, ओके करोगे, यहाँ से एग्जिट करोगे तो आपको एक पूछेगा कि आपको स्पायरल की लेंथ क्या चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या, सारा कुछ। तो मुझे अब डिस्टेंस पता है कि इसका 215 की लेंथ है इसकी, पिच तो पिच हम दे देंगे 4.5, ठीक है। अब वो मटेरियल जहाँ पे है वहीं पे कटिंग करना है मेरी, पर अब मेरी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज नहीं होगी, वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज में हम जा रहे थे राइट हैंड में ऊपर को, अब ये लेफ्ट हैंड में जाएगा हमारा उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट और राइट जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब ओके करोगे आप तो आपका यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है वही धागा, थ्रेडिंग चूड़ी दिखा रहा है आपको। अब क्या करेंगे, इसके अंदर दोबारा जाएंगे हम टॉप प्लेन में, यहाँ पे आके स्केच करेंगे हम। अब स्केच में हमने यहाँ पे जो बनाना है वो हमारा है स्केयर। इस पॉइंट से हमने एक स्केयर बना लिया, मतलब एक प्रोफाइल बनाया हमने। स्केयर्स को भी करेंगे, दोनों लाइंस को सेलेक्ट किया, जो इसकी एल और ब्रेथ है, एल लेंथ और ब्रेथ, उसको हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने से ये हमारा स्केयर बन गया। डायमेंशन जाऊँगा, डायमेंशन दूंगा यहाँ पे, डायमेंशन होगी मेरी 2.25 की, क्योंकि 4.5 का मेरा प्रोफाइल है स्केयर का। तो यहाँ पे 2.25 और वहाँ पे 2.25, ये दोनों मिला के बन जाएगा हमारा 4.5। इसे ओके करते हैं यहाँ पर। अब ओके करने के बाद देखिए, अब हम जाएंगे दोबारा से फीचर्स के अंदर, स्केच सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। एक मिनट, इसको पहले एग्जिट करना है आपने। फिर आप जाओगे स्टेप कट के अंदर, प्रोफाइल हमने ले रखा है, पाथ हम दे देंगे इसका, ठीक है। पाथ देने के बाद ओके कर देंगे हम, ये आपका पीस कट गया है। अब आपने यहाँ पर करना है, आपने हेलिक्स को जाके फिर से हाइड कर देना है। इस तरीके से आपका पीस तैयार हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम ड्राइंग को साथ में खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा पीस है स्क्वायर थ्रेड वाला, ठीक है। यहाँ पे 10 mm की, ये 89 mm, 29, यहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है की सीट, ठीक है। इस तरीके से हमें पीस चेक करना होता है हर बारी कि हमारा जो पीस बना है वो सेम आया है जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर है कैसे बनाना है, ठीक है। सेक्शन कट करके दिखाना हो तो आप सेक्शन कट करके भी दिखा सकते हो, तो चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है गाइस। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट 4 करेंगे, उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें मिलेंगे आपको। तो अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और कमेंट डाला करो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, वरना आपके नंबर मेरा है ही है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।